देश भर में गणेश चतुर्थी की धूम। गुवाहाटी में चंद्रयान 3 के थीम पर पंडाल सजा। हैदराबाद में 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा तैयार। देश भर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां अंतिम चरण में है। मंगलवार 19 सितंबर को गणेश उत्सव का पहला दिन है। कोलकाता, जयपुर, नागपुर सहित कई शहरों में मंदिरों और पंडालों को सजाने का काम जोर शोर से चल रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार गणेश चतुर्थी तिथि से अनंत चतुर्दशी तक 10 दिनों के दौरान गणेश जी की विधि विधान के साथ उपासना की जाती है। गुरुवार 28 सितंबर को गणेश विसर्जन किया जाएगा। हर साल की तरह महाराष्ट्र में गणपति पूजा को लेकर खास तैयारियां चल रही है। मूर्तिकारों ने श्रद्धालुओं के पसंद के मुताबिक अलग अलग तरीके की गणपति मूर्तियां बनाई हैं। गणपति के भोग के लिए मिठाइयों की दुकानों में मोदक और लड्डू की डिमांड बढ़ गई है। बाजार में फल फूल से लेकर साज सजावट के सामानों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। त्रिपुरा के अगरतला में ड्रग्स के खिलाफ संदेश देने के लिए एक आर्टिस्ट ने सिरिंज से गणेश मूर्ति बनाई है। महाराष्ट्र के नागपुर में रविवार को एक महिला श्रद्धालु पारंपरिक मराठी वेशभूषा में गणपति की मूर्ति लेने पहुंची। जयपुर के प्रसिद्ध परकोटा गणेश मंदिर में भगवान के सामने लड्डू का थाल सजाकर भोग लगाया गया। असम की राजधानी गुवाहाटी में चंद्रयान 3 मॉडल के थीम पर गणेश पूजा का पंडाल बनाया गया है। हैदराबाद के एक पंडाल में 63 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाई गई है। प्रतिमा के ऊपर शेष नाग भी बनाया गया है। मुंबई के लाल बादशाह राजा के तर्ज पर नागपुर में नागपुर का राजा की प्रतिमा को धूमधाम से पंडाल तक लाया गया। मुंबई के दादर मार्केट में गणेश चतुर्थी से पहले रविवार 17 सितंबर को खरीदारी के लिए काफी संख्या में भीड़ जुटी। कोलकाता में चंद्रयान 3 के थीम पर तैयार गणेश पंडाल में चांद पर उतरे विक्रम लैंडर को दर्शाया गया है। पटना में इस बार 30 लाख के मुकुट वाले गणपति आ रहे हैं। गजानन को देखते ही बनेगा, सिर पर ही हीरा चमकेगा और शरीर पर चांदी सोना जड़ित अंग वस्त्र होगा। पंडाल भी ऐसा होगा कि आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।